इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भोजपुरी हाउस आपन अंगना प्रोडक्शंस, गर्व से कहीं हम भोजपुरिया हैं, डीपीएमआई छपरा, सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार, राम हरि कैंपस बड़े हनुमान के पास प्रभुनाथ नगर कदम चौक छपरा। ये है न्यूज़नेप डिजिटल मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं सारण न्यूज़ बुलेटिन। नमस्कार, मैं हूं प्रतीक कुमार। सारण न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सारण से जुड़ी आज दिन भर की सभी बड़ी खबरों पर। सारण जिले में आज इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली एक घटना घटित हुई है। जिले के रसूलपुर थाना क्षेत्र के धनाडी गांव में एक 7 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ ब्रूटल रेप का मामला सामने आया है। आरोपी अभी भी पुलिस के गिरफ्त से फरार है। आरोपियों ने हैवानियत की सारे हदी पार कर दी है। बच्ची की तस्वीर हम आपको नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि वो तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर बिहार में महागठबंधन के बीच सीटों का हुआ बंटवारा। सारण संसदीय क्षेत्र से चंद्रिका राय तो वहीं महाराजगंज संसदीय क्षेत्र से रणधीर सिंह आरजेडी के होंगे उम्मीदवार। लोकसभा चुनाव 2019 में सिवान संसदीय क्षेत्र से हिना साहब तो वहीं गोपालगंज संसदीय क्षेत्र से सुरेंद्र राम होंगे महागठबंधन के उम्मीदवार। बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन में हुए सीट बंटवारे से नाराज हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के वरीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद से पूर्व मंत्री डॉक्टर महाचंद्र प्रसाद सिंह ने दिया इस्तीफा। गोपालगंज के भोरे थाना क्षेत्र में जेतपुरा गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर हुई मारपीट, 8 लोग अस्पताल में हुए भर्ती। सारण विधि मंडल में होने वाले चुनाव को लेकर पहले दिन विभिन्न पदों के लिए 28 अधिवक्ताओं ने किया नामांकन पत्र दाखिल। 16 अप्रैल को होना है चुनाव। छपरा नगर थाना क्षेत्र स्थित कचहरी स्टेशन के पास आज सुबह 2 गुटों में हुई चाकूबाजी। चाकूबाजी की घटना में दिलीप राय नाम का एक युवक गंभीर रूप से हुआ घायल, इलाज के लिए भेजा गया पीएमसीएच। जनसंघ काल से बीजेपी के नेता रहे सारण के परसा प्रखंड के गंगोई गांव निवासी अवकाश प्राप्त सैनिक अखिलेश्वर प्रसाद सिंह की कल गुरुवार को हृदयघात की वजह से हुई दुखद मौत। गांव में पसरा मातम। सारण जिले के स्थानीय रेडियो स्टेशन रेडियो मयूर 90.8 FM के द्वारा रिबेल इंस्टीट्यूट में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम मेरा वोट मेरी ताकत का हुआ आयोजन। नेहरू युवा केंद्र सारण के द्वारा छपरा के चंद्रावती ऑडिटोरियम में मतदान महादान विषय पर जिला युवा सम्मेलन का हुआ आयोजन।
लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए सिवान प्रशासन पूरी तरीके से है सजग। महाराजगंज थाने क्षेत्र में 2632 लोगों पर धारा 107 तो वहीं 44 लोगों पर CCA 3 के तहत होगी कार्रवाई। SDPO हरीश कुमार ने दी जानकारी। तो ये थी सारण से जुड़ी आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे न्यूज नीव ऐप को डाउनलोड करें, YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook, Twitter, Instagram पे हमारे पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। ये है न्यूज निप डिजिटल मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं सारण न्यूज बुलेटिन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भोजपुरी हाउस आपन अंगना प्रोडक्शंस, गर्व से कहीं हम भोजपुरिया हैं, BPMI छपरा, सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार, राम हरि कैंपस बड़े हनुमान के पास प्रभुनाथ नगर कदम चौक छपरा।